मुजफ्फरपुर में हुई इस शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जिस जोड़े की शादी हुई है वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन शादी सिर्फ उनके प्यार के कारण नहीं हुई। इस शादी के लिए पंचायत बैठी थी, एक तरफ से गांव वालों ने पकड़कर उनकी शादी कराई। हुआ ये था कि लड़का अपनी प्रेमिका से मिलने रात को चुपके से उसके घर गया था। घर वालों ने जब लड़की के कमरे में उसके प्रेमी को पाया तो पहले उसे पकड़कर शादी करवा दी। मामला औराई थाना क्षेत्र के खेतलपुर का है। वही प्रेमिका काजल ने कहा कि वो अपने प्रेमी से बहुत प्यार करती है। उसने कहा कि परिवार को उसके प्रेमी के बारे में पहले से पता था और दोनों इस शादी से बहुत खुश हैं। क्या नाम है आपका? काजल कुमार। किसके साथ शादी की है? सोनू के साथ। मर्जी से है कि जबरदस्ती करवाया है? मर्जी से की। खुश है ना? हाँ। कोई दबाव उबाव कोई दे रहा है? मम्मी पापा चाचा उचा कोई कुछ बोल रहा है? मम्मी पापा नहीं बोल रहे। कोई नहीं बोल रहा है? कोई आपत्ति नहीं है इस शादी से? नहीं। किसके साथ रहोगी? जिससे शादी की उसके साथ। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ आपका? वही मुखिया ने कहा कि जब लड़का लड़की से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वो दोनों पिछले एक साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, इसलिए उनकी शादी करा दी गई। जो पहले से वो लड़का लड़की दोनों चोरी छुपी मिलता था, ठीक है, चोरी छुपी मिलने के कारण माँ उसका पिता रहते हैं विदेश में, और माँ गंगा स्नान करने चली गई थी। इस मौका का फायदा उठा करके लड़का ने लड़की के घर चलाया तो उसका चाचा ने क्या किए जो आपत्ति जनम में पकड़ लिया, दोनों को पकड़ करके बैठा के रखे। जब उसकी माता गंगा स्नान से आई तो उसको सब मिलकर समाज मिलकर के उसको अवैध के रूप में उसको शादी दोनों के करा दिए। यही मामला। दोनों राजी लड़का लड़की दोनों। लड़का से भी पूछा गया जो शादी करिएगा तो बोला जो हाँ, लड़की से भी पूछा गया जो शादी करिएगा तो दोनों को शादी करा दिया गया। कब पकड़ा गया था? ये परसों रात की घटना है, 3 बजे में। किनके समक्ष शादी हुई है? शादी समाज के बीच में हुआ। हम लोग से पूछा गया था, हम लोग तो इसका काम नहीं कर सकते, लेकिन आप समाज मिलके दोनों एक ही समुदाय से आते हैं और दोनों का दूरी कभी करीब 1 किलोमीटर की अंतर में है। नाजायज रिश्तों को जायज बना देगा, लेकिन फिर बाद में भाग जाता दोनों, इसके चलते अपन उसको। बताया जा रहा है कि औराई थाना क्षेत्र में प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था, जिसे ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसे बंधक बना लिया। एक ही जाति के होने की वजह से एक पंचायत बुलाई गई। लड़का लड़की एक ही जाति के हैं, इसलिए दोनों के परिवार वाले शादी के लिए आसानी से मान गए। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।